मित्रों, नारी शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। यही नहीं, नारी के चरित्र में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता गण भी नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में आपको ऐसी कई नारियों का उल्लेख मिल जाएगा जिन्होंने कई बार अपनी नारी शक्ति का परिचय देते हुए राक्षसों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी झुकाने का काम किया है, और इनमें सती सावित्री का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज मैं आपको इस वीडियो में उस नारी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देवता से भी जीत गई थी। मित्रों, महाभारत एक ऐसा हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिससे हमें अनेकों पौराणिक पात्रों के बारे में पता चलता है। महाभारत में आपको कई कहानियां भी मिल जाएंगी। ऐसी ही कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिनका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत में किया गया है। तो मित्रों, ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के समान कोई अन्य स्त्री भी पावन पवित्र हो सकती है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही हो। युधिष्ठिर के इस सवाल का जवाब देते हुए मुनि ने कहा कि द्रौपदी से पहले भी सावित्री नाम की स्त्री थी जो बहुत कठिन पतिव्रता का पालन कर चुकी है, और तो और उनके आगे देवता भी हार मान गए थे। युधिष्ठिर को सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाते हुए मुनि कहते हैं कि मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वो सावित्री का जल्द से जल्द विवाह करा देना चाहते थे। महाराज सावित्री के पास गए और उससे कहने लगे कि बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं भी अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। उन्होंने सावित्री से कहा कि धर्मशास्त्र की मान्यता अनुसार विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वो पिता निंदनीय है। ये सुनकर सावित्री चिंतित हो गई और शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए राजर्षियों के रमणी तपोवन चली गई। कुछ दिन तक सावित्री वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्र राज अशुपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे, तब राजा की सभा में भगवान नारद भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वो अपने वर की तलाश में गई है। नारद जी और महाराज बात कर ही रहे थे कि अचानक सावित्री दरबार में पहुंच गई। सावित्री के आने पर महाराज ने उनसे वर के चुनाव पर सवाल किया तो सावित्री ने अपने पिता को बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है और उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या दोष है? तो इस पर नारद जी ने कहा कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वो सिर्फ एक वर्ष के बाद मरने वाला है। ये सुनकर सावित्री ने भरी सभा में कहा कि मैंने अपने वर का चयन कर लिया है, अब मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि कृपया करके मेरा कन्यादान कर दें। महाराज ने अपने पुत्री की बात सुन ली और फिर धूमधाम से सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था सत्यवान की मृत्यु का समय भी निकट आ रहा था। सावित्री एक एक कर दिन गिन रही थी और उसे हमेशा नारद जी का वचन याद आ रहा था। जब सावित्री ने देखा कि सत्यवान की मृत्यु चौथे दिन होने वाली है तो उसने 3 दिन व्रत धारण कर लिया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा, सावित्री मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं रही। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो नारद जी की बात याद करके दिन और समय का विचार करने लगी। इतने में ही सावित्री को वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया जिसके हाथ में पाश था। मित्रों, वो यमराज थे जो सत्यवान को लेने आए थे। यमराज ने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है इसलिए तुझसे संभाषण कर लूंगा। इस पर सावित्री ने कहा कि आप कौन है? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकाल कर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ऐसा होता देख सावित्री बोली कि हे देव, मेरे पति को जहां भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन वो फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए।
उसके बाद तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तुम उससे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। आखिर में सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे यमराज भी हार गए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। तो मित्रों, ये थी कहानी सावित्री की, जिसकी नारी शक्ति के आगे यमराज ने भी हार मान ली थी और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।